कार्तिक उद्यापन को लेकर चकाई के गादी सिमरिया में निकाली गई भव्य कलश यात्रा। चकाई प्रखंड के गादी सिमरिया गांव में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सह कार्तिक एकाशी उद्यापन को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिला व कन्याओं ने भाग लिया। कलश शोभा यात्रा ढोल नगारे शंख देवी गीतों एवं गाजे बाजे के साथ यज्ञ मंडप से शुरू हुई। यात्रा गादी गांव से निकलकर लगमा होते हुए सिमरिया काली मंदिर पहुंची। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद कलश यात्रा दुबे बाबा मंदिर के समीप स्थित जनकजोर पहुंची, जहां कथा व्यास पंडित बलराम पांडेय आचार्य अशोक पांडेय एवं पंडित गोपाल पांडेय द्वारा विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पवित्र जल कलश में भरा गया। कलश में जल भरकर श्रद्धालु महिला एवं कन्या पुनः यज्ञ स्थल पर पहुंची। तत्पश्चात यज्ञ मंडप में कलश को स्थापित किया गया। वहीं इस दौरान जिधर से भी कलश यात्रा गुजरी उधर का माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया। वहीं यजमान सुदामा देवी ने बताया कि प्रतिदिन संध्या को यज्ञाचार्य सह श्रीमद् भागवत कथा व्यास द्वारा प्रवचन दिया जाएगा। मौके पर भिखारी राय, रंजीत राय, उमेश राय, बलमुकुंद राय, मुकेश राय, रमेश राय, अंकित राय, अमरेश शर्मा, अशोक राय, विजय राय, संजय राय, मनोज राय, अमित कुमार, विक्रांत कुमार, राहुल, अमर, छोटू, ऋषि, अंकुश, विशाल, प्रिंस, सत्यम, शिवम, आर्यन, अर्णव, विराट, लव, मयंक, अभिषेक, अंजनी, निशा, निकिता, रिया, सोनाक्षी, ऋतिक, छोटी, रधिमा, निहारिका सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। जमुई जिले सहित चकाई प्रखंड क्षेत्र की तमाम सभी खबरों को देखने के लिए चकाई लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।